सब्सक्राइब करें अलका कश्यप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रोशेट एंड निटिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम इसमें आगे 11वीं लाइन बनाने के बाद 12वीं 12th रो शुरू करते हैं। और आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ से हम इसमें यहाँ पहुँच गए इस साइड में, और इसमें अब आगे हम किस तरह से बनाएंगे, ये वाला पोर्शन बनाया हमने। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको इधर साइड में कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी 11th जो रो थी वो कंप्लीट हुई है यहाँ पे, और 12वीं हमने शुरू करनी है। अब देखिए, ये जो हमारा था यहाँ से इसमें इसमें लेके आएंगे। इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं हम कैमरे को, अब सही है मेरे ख्याल से। देखिए, अब इसको हमने बीच में लेके आना है इस तरह से, ये स्लिप स्टिच। अब हमने यहाँ पे 3 चेन करनी है, 1 2 3। अब ये हमारी 12th रो शुरू होगी है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। ठीक है जी। अब हम इसके ना पार्ट्स कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसके आगे हिस्से बना रहे हैं। 3 हिस्से, इसमें से 3 निकाल रहे हैं हम ये वाले। तो आगे देखिए, अब हमने यहाँ से 1 चेन करनी है। ये जो हमारा यहाँ से स्पेस था, ये देखिए, जैसे हमने पहले वाली 11वीं लाइन में बनाया था, तो उसमें से हमने 1 चेन ली मैंने यहाँ पे, ये बल लिया और यहाँ से इसको 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन ले लेनी है, फिर बल लेना है और यहाँ से इसमें वैसे 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट, इस तरह। अब फिर 1 चेन बल लिया, यहाँ से फिर वैसे ही 1 चेन लेंगे हम, ये ऐसे इस तरह, ये देखिए ये ऐसे आएगा। अब हमने 1 चेन और यहाँ से ये जो नीचे के 2 थे इसमें से हमने वैसे ही अपना 4 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट, इस तरह। देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। और अब हमने देखिए, पहले हमने 8 ली थी, जो हमने ये ले रखी चेन 8 ली थी। अब हम इसमें फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 9 भी ले सकते हैं हम, 10 भी ले सकते हैं। ये आपने अपना देख के करना है कि ये इस तरह से देख के ये यहाँ से ये चेन का हिसाब के सही आनी चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे वैसे आगे इसको कम कर देने, सिंगल क्रोशेट है ये, यहाँ तक सिंगल क्रोशेट आएगा और आगे फिर से वैसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है। राउंड हम इससे पूरा आगे जैसे हमने ये बनाया वैसे ही आगे बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास आएंगे अब इस 12वीं लाइन में ये आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिंगल क्रोशेट। अब हमने फिर से वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से फिर वैसे ही शुरू कर देना है हमने, बल लेके और 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये वाला पोर्शन जो हमारा ये यहाँ बना है, ये सेम यहाँ पे रिपीट होगा और उसके बाद ये इधर रिपीट होगा और ये इधर रिपीट होगा। इन चारों कोनों में ऐसे ही रिपीट होगा सारा, और मैं आपको यहाँ पे आके आगे दिखाती हूँ।
ये इसकी 12वीं लाइन कंप्लीट हुई है, 12th रो कंप्लीट होगी हमारी। अब हमने इसको जोड़ लेंगे यहाँ से स्लिप स्टिच, वही अपना तरीका जोड़ने का, पूरे उसमें एक ही रहेगा। अब हमने ये जो धागा है ये बीच में लेके आना है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से फिर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेके आएंगे धागे को। अब यहाँ से फिर हमने तीन चेन लेनी है, वैसे ही चलेगा ये वाला, और यहाँ से एक डबल क्रोशेट, एक चेन और दो डबल क्रोशेट, टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, और ये हमारा ऐसे 13वीं लाइन शुरू होगी। 13 रो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, 13 रो। अब हमने ये बना लिया, अब हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे, और ये जो हमारा नीचे वाला वन था डबल क्रोशेट, देखिए इस तरह से था, उसके अंदर से हमने थ्री डबल क्रोशेट लेने, वन टू और ये थ्री, इस तरह से। अब हम फिर एक चेन लेंगे, बल लिया, आगे फिर वैसे फोर, टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, इस तरह। अब वन चेन, फिर यहाँ पे वैसे जैसे ये बनाया हमने वैसे यहाँ से बनाएंगे इसको, ये बल लेके थ्री डबल क्रोशेट, वन में से एक, तो ये जो जाली बनी हुई है इन दोनों की तरफ, इसकी इस डबल क्रोशेट की तरफ वहाँ से, और एक के हमने ये तीन डबल क्रोशेट कर दिए, दो और ये तीन, और फिर वैसे ही एक चेन, और ये फोर में से ही फोर, वैसे ये शेल हमने वैसे ही बना लेना अपना, टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, अच्छा देखिए अब इसमें ये हमारे एक आ रहा था, इसमें से हमने ये तीन निकाल लिए, देखिए इस तरह से। अब हम आगे चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्योंकि ये बढ़ गया है तो यहाँ पे चेन मैं कम रखूँगी, और लेकिन यदि आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे 9 से 10 चेन पे आ जाएंगे, और नहीं तो 9 की 9 भी रख सकते हैं, वो हिसाब, ये चेन का हिसाब आपको अपना बनाते हुए अपनी बुनाई के हिसाब से सेटिंग करनी है इसकी चेन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 ही ले रही हूँ इसकी, आपने देखते हुए लेना है। ये सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये कम हो गए हमारे, यहाँ से 14 14 13 12 11 10 9 8, और अब हमने 7 कर लिए। अब ये 1 2 3, अच्छा ये तो हमने बना ही लिया, तो अब जी हम ये जैसे हमने ये बनाया वैसे ही हम इसको बनाएंगे, वैसे ही इसको बनाएंगे, वैसे ही इस वाले कॉर्नर को बनाएंगे, और फिर मैं आपको ये यहाँ पे आके ये 13 रो कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ आगे यहाँ से। और अब हम इसमें अंदर जाएंगे इसके, ये यहाँ से शुरू करेंगे, और तो ये हमने वैसे ही बना लेना है, दो डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, ये हमारा वैसे ही शुरुआत में वैसे ही चलेगा। और अब देखिए जी हम इसमें
थोड़ा क्लोज करूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ से एक चेन लेंगे, भर लिया हमने। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ दोहरानी है जो हमने यहाँ पे की थी। ये देखिए, ये यहाँ पे जो चीज़ की थी हमने, ये यहाँ पे वही चीज़ हमारी यहाँ पे बनेगी। तो अब हमने एक चेन ली, भर लिया यहाँ से, ये एक डबल क्रोशेट इस तरह से। अब हमने चेन लेनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन ली, भर लिया यहाँ से, फिर वैसे ऐसे एक डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये ऐसे आएगा हमारे पास। ये वाली चीज़ हमने यहाँ भी बनाई थी, आपको याद होगा, इस जगह पे। और अब बचे हमने फिर से वैसे एक चेन, और ये यहाँ से दो डबल क्रोशेट, टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट, उसके बाद फिर वन चेन, फिर वन डबल क्रोशेट, फिर वन चेन, और हमारे पास नहीं, सॉरी, वन डबल क्रोशेट के बाद लगातार सिक्स चेन, 2 3 4 5 6, बल लेके यहाँ से डबल क्रोशेट। ओके जी, अब ये देखिए, एक फिर से हमने वन चेन भर लिया, और फिर वैसे टू डबल क्रोशेट, वन चेन, टू डबल क्रोशेट इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे फिर चेन बनानी है, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा। अब हम फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 चेन बनाई है देखिए मैंने। और अब मैं इसको रख के देखती हूँ कि ये इतनी सही है, इसमें ये ज़्यादा आ रही है इसमें, तो हम इसमें से एक चेन कम कर देते हैं, और 8 चेन होगी हमारे इस रो में। और यहाँ से ये हमने सिंगल क्रोशेट, ये देखिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल क्रोशेट, फिर 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेंगे। क्योंकि अभी ये देखिए, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे हमने 9 चेन ली थी, यहाँ पे हमने कम इसलिए किए चेन क्योंकि अब ये यहाँ से ही बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है जी। अब फिर से हमने यहाँ पे इसको भर लेना है, 8 चेन लेने के बाद, और यहाँ से डबल क्रोशेट, और हमारा फिर से ये वही सब कुछ रिपीट होएगा, 2 डबल क्रोशेट 1 चेन 2 डबल क्रोशेट, फिर जाली, और वैसे ही सारा जैसे मैंने इसमें बनाया। अब मैं आपको ये पूरा बना के यहाँ पे आके और फिर दिखाती हूँ करनी है। आप इसको देखिए जी, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ से हम इसको 1 2 3 चेन, और फिर वैसे 1 डबल क्रोशेट 1 चेन 2 डबल क्रोशेट, इस तरह। और अब देखिए, हमने वैसे ही करना है, एक चेन लेंगे, और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट इस साइड में, एक डबल क्रोशेट हमने इधर करना है, बीच में हमने 12 डबल क्रोशेट लेने हैं, जैसे हमने ये चीज़ यहाँ पे बनाई थी यहाँ पे। ये देखिए, ये चीज़ है, यही चीज़ हमारी यहाँ बनेगी। अब दो बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे हमारी एक है बनी हुई इस साइड में, ऐसे एक एक, और ये एक बनी हुई है, इसी तरह से ये ऊपर अलग अलग दो बनेंगी। अब ये एक डबल क्रोशेट ले लिया मैंने, अब यहाँ से मैं इसमें
12 डबल क्रोशेट लूँगी और एक इधर का मिला के और ये मिला के हमारे पास टोटल इसमें 14 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। अब ये बीच वाला जो हमारा चेन स्पेस है ये वाला, इसमें हमने 12 डबल क्रोशेट लेने हैं। 1, 2, 3, 12 और ये 13, ये हमारे 14 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने इसमें 13 हुए थे हमारे, यहाँ से एक और करके टोटल 14 डबल क्रोशेट इस तरह से एक चेन। अब ये हमारा यहाँ से बीच वाला जो है 2 डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट 1 चेन 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए ऐसे। अब हमने फिर एक चेन बन लिया और यहाँ से एक डबल क्रोशेट इसके बीच में से। अब देखिए हमने एक हमारा ये हो गया। अब आगे हम 13 डबल क्रोशेट इसके बीच में लेंगे, इसको मिला के टोटल करेंगे। 1, 2, 3 है ये बीच में हमारे 12 आएंगे डबल क्रोशेट और साइडों में एक एक टोटल हो गए 14 डबल क्रोशेट। 1, 12, 13 ये 13 डबल क्रोशेट इधर आ गए हमारे, बल लेके 14 हमारा यहाँ पे ऐसे। अब देखिए ये 2 बनेंगे हमारे यहाँ से। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब हम इस डिब्बी के इसके बीच में पहुँचेंगे तो हमारी ये नई डिब्बियाँ शुरू हो जाएंगी, 2 नई ये इस तरह से। अब हमने फिर वैसे यहाँ से 2 डबल क्रोशेट 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट इस तरह। अब फिर हमने चेन बढ़ानी है यहाँ पे। देखिए ये हम हिसाब से चेन लेंगे, 9 चेन ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेन लेके और इसको हमने अब यहाँ से ये आएगा सेंटर में कम कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ से थ्री फोर फाइव, अब ये 5 हो गए। अगली रो में ये 4 हो जाने हैं। अब यहाँ से फिर हमने वैसे चेन 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेन फिर वैसे शुरू कर देना है अपना नई डिब्बी, जो कि हमारी बिल्कुल ऐसे आएगी। अब मैं ये आपको यहाँ तक बना के आगे फिर दिखाती हूँ और ये अब देखने में इस तरह का दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये अब आइए जी आगे शुरू करते हैं। तो इसमें हम वैसे 3 चेन, ये तो हमारा रिपीट है, तो आगे बहुत इजी है ये। 2 डबल क्रोशेट 1 चेन 2 डबल क्रोशेट अब फिर 1 चेन। अब देखिए वैसे हमने इसके ऊपर 14 डबल क्रोशेट है, इनके ऊपर हमने 14 डबल क्रोशेट करने हैं। ये हमारी 14 डबल क्रोशेट पूरे हो गए इस तरह से। और अब हमने आगे फिर से वैसे ही रिपीट करना है, 1 चेन और इसमें से 2 डबल क्रोशेट 1 चेन 2 डबल क्रोशेट, ये लाइन हमारी ऐसे चलेगी। और इधर भी हमने 14 डबल क्रोशेट करने हैं दूसरे आगे साइड आगे वाली तरफ, 1 चेन
इसके बाद हमने एक चेन ली। अब यहाँ से हमने फिर से 14 डबल क्रोशेट यहाँ तक लेके आएंगे और उसके बाद हमने ये यहाँ से फिर वैसे 14 डबल क्रोशेट, उसके बाद हमने यहाँ से एक चेन लेनी है, फिर हमने 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन 2 डबल क्रोशेट, और फिर हमने ये चेन बनानी है 8 चेन बना के। यहाँ पे हमने ये पहले हमने 5 डबल सिंगल क्रोशेट किए थे सॉरी, अब हमारे पास ये 4 सिंगल क्रोशेट आएंगे। अब ये पूरे लाइन आपको कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए इसकी मैंने यहाँ से प्लीट कर ली, वैसे ही ये यहाँ से 8 चेन ली मैंने, 8 चेन लेके और यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करके नई शुरू कर ली है, शुरू हुई है। अब इसमें हमने वैसे ही करना है, ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से हम करेंगे 3 चेन ली हमने 16 रो में शुरुआत में, थ्री चेन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, और अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये 14 डबल क्रोशेट है, यहाँ से इसके अंदर से सिंगल क्रोशेट करना है हमने। ये हमारे पास 13 सिंगल क्रोशेट आएंगे। ये वाली चीज़ वही बन रही है जो हमारी यहाँ पे बनी थी, वही सेम चीज़ जो ये वाली है ये हमारी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ पे दोनों तरफ इसके। चलिए जी शुरू करते हैं, इसको वैसे ही करेंगे धागा खोल के, और ये 13 सिंगल क्रोशेट इसके अंदर से, ये देखिए ऐसे, फिर एक चेन और फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ से वैसे ही 13 सिंगल क्रोशेट, और ये यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट, और यहाँ पे ये हमारी चेन 8 चेन डाल के, और यहाँ पे हमारे 4 सिंगल क्रोशेट आए हुए हैं, यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशेट कर देने हैं, और उसके बाद फिर से ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा और फिर हमारा ये सारा सर्कल वैसे ही पूरा होगा यहाँ पे। और मैं आपको ये यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हमने अगली रो ऐसे ही बनानी है। ये देखिए जी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ से इस सर्कल को वाले जो हमने डाले थे इसको छोड़ के यहाँ से काउंट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसकी ये 18 रो जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो ये जो रो हैं हमने ये यहाँ तक कंप्लीट की हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से 14 थे हमारे डबल क्रोशेट, और ये हमने दो लाइनें डबल क्रोशेट के करके ऊपर सिंगल क्रोशेट किया है, और ये भी हमारे सिंगल जो क्रोशेट है हमारा ये कम होता आया, तो यहाँ पे आके ये हमारा सिर्फ एक रह गया, जैसे कि इसमें मैंने ये इधर एक किया हुआ है यहाँ से इस तरह से। आप देखिए इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर देती हूँ, ये मैंने 8 चेन ली हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ये इसमें 18 रो में ये लास्ट है इसमें ये 1 रह गया हमारा इस तरह से, ठीक है जी। ये हमने तब तक बनाना है जब तक हमारा 1 रह जाता है, और उसके बाद हमारी ये अब यहाँ से नई नई ये पाइन एप्पल वाला ये वाला नया शुरू होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो नया शुरू होगा, और ये हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ से फिर हम वैसे ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन 3 में से तीसरी जो है हमारी उसमें से स्लिप स्टिच, ये हम पहुंच गए इसके सेंटर में, एक और स्लिप स्टिच और ये सेंटर में आ गए। यहाँ से अब इसकी ये देखिए इसको हम वैसे ही शुरू करेंगे,
ये सारा तो हमारा वैसे ही आएगा, 3 chain, 1 double crochet, 1 chain, और 2 double crochet। यहाँ से इस तरह, और यहाँ पे हमने नीचे 4 chain, अच्छा चेन का हिसाब आपने इस तरह से अपने मुताबिक लगाना है कि ये खींच तो नहीं पड़ रही, जैसे हम बना रहे होंगे तो हमें अपने आप महसूस होगा कि ये यहाँ से इस तरह से खींच पड़ रही है या इसमें ज़्यादा हो रही है। देखिए ये इस तरह से आनी चाहिए, जैसे ये आई हुई है ये इस तरह, जैसे यहाँ पे मैंने ये 4 chain रखी थी तो अब मैं यहाँ पे 5 chain रखूँगी, 2, 3, 4, 5, यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 और ये हमारी 5 chain इसमें इस हिसाब से। अब यहाँ से वही वैसे ही हमारा सिंगल क्रोशेट, और ये मैं आपको यहाँ तक आके बुना के यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ थोड़ा सा बना के। ये देखिए यहाँ में से मैं बनाते हुए इसको यहाँ पे आ गई हूँ, ये हमने यहाँ पे की 5 chain की, मैंने ये किया, ये ने सिंगल क्रोशेट किया, फिर यहाँ 5 chain की, यहाँ पे वैसे 2 double crochet, 1 chain, 2 double crochet, फिर 5 chain, और ये यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 5 chain और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमने एक छोड़ रखा है। इसके लिए जी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा खोल लेते हैं, 7, 8, 9, 10 10 बनाई है मैंने, और मैं यहाँ पे लगा के देखती हूँ कि ये सही आ रही है कि नहीं आ रही है, कम है ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें मैं 2 chain और ले लेती हूँ, 13, 14 chain ले ली मैंने, बल लेके यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये हमारा ऐसे आएगा, ये इस तरह से ये सीधी आनी चाहिए। यदि आपके ये 12 chain में सही आ जाता है तो आप 12 रखें चेन यहाँ से, जितनी चेन में आपको यहाँ पे सही लगता है कि ये इस तरह से सीधा आ रहा है तो आप उतनी चेन यहाँ पे रखें, क्योंकि जब हम अब आगे बनाएंगे तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेगा, यही चीज़ ये आगे फिर हमने वैसे ही शुरू कर देना है, 2 double crochet, 1 chain, 2 double crochet, और ये सारा सर्कल हमारा ऐसे आएगा, और यहाँ पे आके हमने फिर चेन बनानी है। मैं इसमें 14 chain रख रही हूँ और ये ऊन के हिसाब से है, मैं आपको ये इसमें ये वाली चीज़ इसमें दिखाती हूँ, ये धागे से बने हुए वाले में, इसमें देखिए ये यहाँ से आएगा, ये हमने ये वाली डिब्बी कंप्लीट कर ली, ये यहाँ से, और अब हमने इसमें नई डिब्बी शुरू करने, हम इस लाइन पे हैं, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि हमने आगे बनाना है तो हम यहाँ से शुरू कर लेंगे इसको आगे बनाने के लिए, और यदि हम इसको और बड़ा नहीं बनाना चाहते तो हम इसको यहाँ पे जाली बना लेंगे, इसकी इस लाइन को नहीं बनाएंगे हम, और यहीं से इसमें जाली बनानी शुरू कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ जाली किस तरह से बनी हुई है, देखिए ये ऐसे, ये मैंने ये यहाँ से ख़त्म हुई है और यहाँ से इसमें ये जाली बनी हुई है इस तरह से, और हम इसी तरह से इसमें जाली बना के और बीच में एक एक जाली छोड़ते हुए फुंदे लगा लेंगे इस तरह से। देखिए दिखाई दे रही है, ये जो हमारा है बस हमने एक डिब्बी जो हमारी है वो पूरी हो जाती है और अगली आधी हो जाती है, तो उसमें हमने जब एक ये डिब्बी इस तरह से आते हुए पूरी हो तो उसके बाद हमने इसमें जाली बना लेनी है, जैसे हमने ये वाला किया है कम्प्लीट, और इसमें इसके बाद जाली बना के और ये फुंदे लगा लेने। उम्मीद है जी आज आपको ये वीडियो आसान लगा होगा और ये डॉली बनानी पसंद आएगी, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।